है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एज द नेम सजेस्ट कि हम दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज करने का क्या मतलब बाद में देखेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि दो अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। पहला एक प्रोसेस है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस का ये मतलब होता है कि दो प्रोसेस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं किसी एक टास्क के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी एक बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, और बिस्किट की फैक्ट्री में दो लोग काम करते हैं, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो क्या करते हैं कि बिस्किट को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, ये फर्नेस जो होगा उस फर्नेस में बिस्किट निकल रहे होंगे या ये फर्नेस में बिस्किट डाल रहे होंगे, वहां से निकाल के एक कन्वेयर बेल्ट पर प्रोवाइड कर, जो भी बिस्किट हो गया उसको ट्रे में करके कन्वेयर बेल्ट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी का काम क्या है कि कन्वेयर बेल्ट से एक ट्रे उठाना है और उसको पैक कर देना, ट्रे में से बिस्किट को निकालना है और ट्रे में से बिस्किट को निकाल के पैक कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन क्या हो रहा है कि ए कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कन्वेयर बेल्ट पे रख रहे हैं, और मिस्टर बी क्या कर रहे हैं कि उसी आइटम को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसी आइटम को कंज्यूम कर रहे हैं। सो देयर इज अ प्रोड्यूसर एंड देयर इज अ कंज्यूमर। तो ये कहा जाएगा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी जो हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। मिस्टर ए इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड मिस्टर बी इज कंज्यूमिंग समथिंग। ऐसा सिनेरियो बहुत बार अपियर होता है आपके लाइफ में, क्या आप में से कोई मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोऑपरेटिंग बेस्ट एग्जांपल असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है एलोकेट कर दिया टीचर ने, मिस ए ने इस असाइनमेंट को सॉल्व किया और उसके बाद जिसको भी चाहिए बी सी डी ई सबको इन्होंने प्रोवाइड कर दिया सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी सी डी ई जो हैं दे आर द कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। सिमिलरली देयर आर सम प्रोसेसेस व्हिच आर द कंपीटिंग प्रोसेसेस। इसका मतलब है कि इफ देयर इज सम कॉमन रिसोर्स देन टू और मोर देन टू प्रोसेसेस आर कंपीटिंग टू एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। सो हूसोएवर विंस द रेस is called the winner of the competition between the processes. If we have taken an example of the IRCTC ticket booking, wherein the number of seats are limited and everyone wants ticket booking or everyone wants the reservation in the train. So only a few people will get the Tatkal reservation. So everyone who is trying to book the ticket, or you can say that for everyone who is trying to book the ticket, the IRCTC server will generate the process and all those processes will keep running in parallel. But when it comes to the allocation of the seat, so allocation of the seat can be done to the limited number of the processes only. Okay, we have seen this with an example of the count variable. We have two processes here. One is P1 and P2, and the count is updated or incremented in one of the process, and count is decremented in the other process. Okay, so the access to this count variable becomes the critical section. We cannot allow the two processes to access this count variable at the same time, or updation to the count variable at the same time. So we will have to apply some restriction. Okay, we've seen with the example also. कि अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट चेंज करते हैं, जैसे कि हमने काउंट प्लस प्लस स्टेटमेंट को असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट किया था, फिर हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जैसे ही चेंज किया इसका, या हमने प्रीमिशन अलाउ करके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज किया दो प्रोसेसेस के लिए, देन हमारा जो वैल्यू है, फाइनल जो वैल्यू है वो इनकंसिस्टेंट आने लगी। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए, या फिर आप प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए,
उसको कंसिस्टेंट वैल्यू ही लानी है, इनकंसिस्टेंट वैल्यू अलाउ नहीं करनी. तो वी विल सी लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स बाय व्हिच दिस कंसिस्टेंट वैल्यू में कम. आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेस कंडीशन. द रेस कंडीशन वॉज लाइक इफ टू और मोर देन टू प्रोसेसर आर एक्चुअली डीलिंग विद कंडीशन वेयर देयर आर देयर देयर इज सम कॉमन रिसोर्स आर, देन आइदर पी वन विल गेट दिस आर और द पी टू विल गेट दिस आर. So whosoever gets the R is called the winner. So there is a race between the various processes. There is a race between various processes for the access of the resource. And whosoever process gets the resource is called the winner. It means there is a race between the various processes. Then we have discussed about the critical section. It means if there are some common resources, जैसे मैं count variable का भी हमने जो example लिया था, इसका जो updation है that is called the critical section. क्योंकि ये common variable है और common variable का जब भी हमारा access होगा तो हम कहेंगे कि that is the critical section. तो हमारे program में common variable का access कई places पे हो सकता है. It can happen at two or more than two places. तो जहाँ जहाँ पे access होगा common variables का, we will say that that is the critical section. और जहाँ पे भी access नहीं होगा या other part जो हमारा program का होगा, we will say that that is the non-critical section. And take an example, or if you consider a situation where there are 10 statements in the program. Out of these 10 statements, let's say statement number 2 is the access to the count variable. Statement number 5 is the access to the count variable. Statement number 8 is also the access to the count variable. So all these places 2, 5 and 8 are called the critical section. These will be called as critical section. And other parts are said to be non-critical section. So 1, 3, 4, 6, 7, 9 and 10. Since we are not using the common variable here, these are called the non-critical section. So either a program will be there in the critical section or a program will be there in the non-critical section. Now to provide the consistent value or to provide the consistent outcome of the shared variable, we actually apply some conditions before entering to the critical section. So the condition, wherever the condition is applied, that is called the entry section. And when we exit from the critical section, those preconditions have been removed. और दोस प्रीकंडीशंस आर रिमूव, सो वी कॉल दैट दी एग्जिट सेक्शन. जो भी हमारा क्रिटिकल सेक्शन है उसमें एंट्री से पहले हमें एक कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए और उसके बाद फिर एग्जिट के समय जो है अगर हमने कोई एक कंडीशन अप्लाई की थी तो उस कंडीशंस को हम रिमूव कर देते हैं, या फिर अगर हमने कोई एक चेंज किया था किसी सिस्टम में उस सिस्टम के चेंजेस को हम रोल बैक कर देते हैं. तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का यूज किया जाता है और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स हम यही करते हैं कि जो एंट्री सेक्शन है वो लगा देते हैं और एग्जिट सेक्शन है वो लगा देते हैं अलॉन्ग विद द क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन तो गिवन ही है हमें और उसके ऊपर एक एंट्री सेक्शन लगा देंगे जिससे कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो. जो कुछ प्रोसेसेस उन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो केवल वही क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करें, बाकी लोग क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री. Now we have also discussed about the requirement of the synchronization mechanism. I again repeat, the synchronization mechanisms are the solution to the critical section problem. So whenever we are designing any solution to the critical section problem, all those solutions should satisfy the condition that it should provide the mutual exclusion, means not more than one process can remain in the critical section at a time. So that is the primary goal. Another thing is the progress. It means अगर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है तो वो दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने से रोकेगा नहीं, ठीक है. सो इफ वन प्रोसेस डज नॉट वॉन्ट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, इट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट द अदर प्रोसेस टू एंटर द क्रिटिकल. सो दिस इज द प्रोग्रेस प्रॉपर्टी. एंड सेकेंडरी गोल्स इसके जो होंगे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स के, दे विल बी बाउंडेड वेट. इट मीन्स व्हेन अ प्रोसेस वॉन्ट टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, it may enter the critical section for a limited number of times in one go. After that, it will have to see the critical section so that the other processes can also come in the critical section.
bounded weight means some weighting condition or some weight is applied. After that, एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन को फ्री करना होगा. एंड देन द आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम का, तो वो सोल्यूशन ऐसा बनाए जो कि जेनरिक हो. ठीक है, अगर वो जेनरिक नहीं, जेनरिक का मतलब क्या है कि वो हर तरह के सिस्टम पे चल जाए, हर तरह के हार्डवेयर पे चल जाए, हर तरह के सॉफ्टवेयर पे चल जाए. ऐसा ना हो कि वो किसी लिमिटेड किसी लिमिटेड सॉफ्टवेयर पे या लिमिटेड हार्डवेयर पे ही चले. तो दिस इज द आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी. So this was the brief of what we discussed yesterday. Today we will deal with this some of the solutions of the critical section problem. Or फिर हम लोग थोड़ा अपना pace slow कर देते हैं. और we will first see the use of lock variable as a solution of the critical section problem. तो सबसे पहली बात तो ये जो lock है, it is lock हम कह तो रहे हैं इसको, but लेकिन अगर हम dressing room का एक example लें, dressing room वाला, तो this is not the lock. What is happening there? This is the dressing room, and in this dressing room, there is a tag hanging. There is no lock, but there is a tag hanging outside. The tag may contain either V or O. V means it is vacant. O means this is occupied. Okay? जिस भी person को critical section में entry करना है, वो क्या करेगा कि इसको ये जो dressing room है इसके tag को देखेगा. अगर इसका टैग वी लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो वैकेंट है, तो वो एंट्री कर जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में. इसका मतलब क्या है कि ड्रेसिंग रूम में एंटर कर जाएगा, लेकिन एंटर करने से पहले यहाँ पे ओ टैग लगा देगा, ऑक्यूपाइड टैग. ठीक है, और जब यहाँ से वो बाहर निकलेगा या क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाएगा, ड्रेसिंग रूम से इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा, तो इस ओ को ये चेंज कर देगा वी में. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल दैट व्हेनेवर अ पर्सन हैज टू एंटर द ड्रेसिंग रूम, ही जस्ट सीज कि क्या टैग लगा है यहाँ पे. अगर वैकेंट लगा है तो ये एंट्री कर जाएगा, लेकिन एंट्री करते समय इस टैग को ये ओ कर देगा, जिससे कि अदर पर्सन इसको ऑक्यूपाइड देखे. और जब ये बाहर निकलेगा तो इस ओ को फिर से वी कर देगा, ताकि दूसरा कोई अगर पर्सन हो तो अगर उसको एंट्री करना हो क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो एंट्री कर जाए. तो दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझ गए हैं, तो इसका सोल्यूशन भी समझना बहुत ही आसान है. नाउ दिस इज द सोल्यूशन. Okay, on the left hand side the solution is written. What is happening here, that we are applying the entry section and exit section. So exit section kaun sa hai? Critical section ke niche wala jo section hai, wo entry section hai. Yahan bhi keh rahe hain ki 1 or 2, yahan pe isliye maine line number mention kar diya hai. Let me erase all the things here, change the color of them. So what's happening here, that 1 and 2 are the entry section and 4 is the exit section. Okay, line number 1 and 2 are the entry section and line number 4 is the exit section. So ये जो line number 1-2 है, ये check apply करेगा जब भी critical section में entry करना होगा उसके लिए. So we are using a lock variable. और अगर lock की value 0 है, इसका मतलब है कि मेरा critical section free है. और अगर lock की value 1 है, so that means that my critical section is occupied. ठीक है, तो किसी भी पर्सन को अगर क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना होगा, तो सबसे पहले वो चेक करेगा लॉक की वैल्यू. तो अगर लॉक की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो फिर से लॉक की वैल्यू को चेक करेगा और लगातार लॉक की वैल्यू को चेक करता है. रिपीटेडली इस लॉक की वैल्यू को चेक करता रहेगा, इसीलिए हमने लूप लगाया है. चूंकि हमने लूप लगाया है और लॉक की वैल्यू लगातार चेक हो रही है, इसलिए ये बिजी वेटिंग सोल्यूशन. आई ऑल्सो टोल्ड यू ऑन द लास्ट टाइम कि दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक बिजी वेटिंग सोल्यूशन होता है, एक विदाउट बिजी वेटिंग सोल्यूशन. ठीक है, तो जो बिजी वेटिंग सोल्यूशन होता है, उसमें लगातार हम चेक चेक करते रहते हैं, है ना. और जो विदाउट बिजी वेटिंग है, आपने एक बार चेक कर लिया, फिर जाके आप आराम से बैठते हैं, और जब वो फ्री होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, फिर आप जाके एक्सेस करिए. लेकिन ये और जो सोल्यूशन है वो बिजी वेटिंग सोल्यूशन है, जिसमें लॉक की वैल्यू को हम लगातार चेक करते हैं. जैसे हमें पता चला कि लॉक की वैल्यू 0 है, ये 1 नंबर स्टेटमेंट कम्प्लीट हो गया. स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे. और लूप से बाहर आने के बाद हमने लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया. क्यों लॉक की वैल्यू को 1 किया हमने? क्योंकि अब इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है. क्योंकि इस पर्सन को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है, तो इसलिए ये बाकी लोगों के लिए या दूसरे पर्सन को या दूसरे प्रोसेस को ये इन्फॉर्म करेगा, या दूसरा पर्सन अगर चेक करेगा तो उसको लॉक की वैल्यू 1 मिल गई. आई अगेन रिपीट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर लॉक की वैल्यू 0 मिल गई, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगा.
लेकिन एंट्री करते समय लॉक की वैल्यू को वन कर देगा। एंट्री करते समय लॉक की वैल्यू को वन क्यों करेगा? एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने जा रहा है तो दूसरा नहीं एंट्री करेगा ना, दूसरा ना एंट्री करे इसके लिए इसने लॉक की वैल्यू को वन कर दिया। ठीक है, नाउ जैसे इसने लॉक की वैल्यू वन कर दी, फिर ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर, क्रिटिकल सेक्शन एंट्री कर गया, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते समय इसने लॉक की वैल्यू को जीरो कर दिया। कीपिंग द लॉक की वैल्यू को जीरो करना, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट देखिए, ये जो लॉक की वैल्यू है वो जीरो हो गई। लॉक जीरो का मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया ना इस प्रोसेस का, तो लॉक को जीरो करेगा इसका मतलब क्या है कि वो फ्री कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को। ये इंफॉर्मेशन है फॉर दी अदर प्रोसेसेस कि ये वाला जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को फ्री कर। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वंस अगेन व्हाट आई सेड। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ड्रेसिंग रूम का लिया। ठीक है, ड्रेसिंग रूम में दो चीजें थी, एक वी और एक ओ। टैग लगा हुआ है, वी का मतलब वैकेंट है, खाली है, ओ का मतलब ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जिस भी पर्सन को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना है, ड्रेसिंग रूम में एंट्री करना है, वो चेक करेगा कि ये वैकेंट टैग लगा है क्या। अगर वैकेंट टैग लगा है तो एंट्री करता, अगर ऑक्यूपाइड लगा है तो वेट करते रहो, लगातार नॉक करते रहो। ठीक है, ओ लगा है तो वेट करते रहो, जब बाहर आएगा कोई पर्सन तो वी लगा देगा, फिर आप एंट्री करते रहो। लेकिन आपको एंट्री करने करते समय वी को ओ में कन्वर्ट करते, ठीक है, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वी को ओ में कन्वर्ट करते। सिमिलर सी चीज यहाँ पे है, अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो उससे पहले लॉक को वो चेक करेगा, लॉक की वैल्यू जीरो है तो वो एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन, लेकिन एंटर करने से पहले लॉक की वैल्यू को वन कर देगा। लॉक की वैल्यू वन मतलब ऑक्यूपाइड सेट कर रहा है ड्रेसिंग रूम में, फिर उसके बाद ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के बाद जब वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा, बाहर निकलते समय लॉक की वैल्यू को फिर से जीरो कर। ठीक है, तो ये लॉक की वैल्यू जीरो एक इंडिकेशन है कि अब क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी सम कंडीशन, जैसा कुछ सिचुएशंस को हम देखते हैं, है ना, हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन उससे पहले जरा हम कुछ सीक्वेंस चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। एक सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो ये है कि एक P1 प्रोसेस है जो मैं ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स को रेफर कीजिएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको रेफर कीजिएगा। इसमें हम कह रहे हैं कि P1 प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट किया, 2 एग्जीक्यूट किया, 3 एग्जीक्यूट किया। ठीक है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि ये एंट्री कंडीशन चेक किया इसने, फिर क्रिटिकल सेक्शन भी एग्जीक्यूट कर रहा है, और क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करते करते P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करते करते इसका प्रीमिशन हो गया। ये जो खड़ी पाई है इसका मतलब है कि प्रीमिशन हो गया। अगर इसका प्रीमिशन हो गया तो अब P2 प्रोसेस ने चेक किया, तो P2 प्रोसेस ने अगर इसको चेक किया तो इसको क्या पता चलेगा P2 को कि हमारे लॉक की वैल्यू 1 है। लॉक की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर सकता, है ना। अच्छा, P2 प्रोसेस अगर पहला ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर P2 प्रोसेस पहला ही अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब कि P2 प्रोसेस इज इन बिजी वेटिंग। बिजी वेटिंग क्यों? क्योंकि एक नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। एक नंबर स्टेटमेंट क्या है? वाइल लूप में कंडीशन को चेक करता है। तो P2 प्रोसेस लगातार 1 नंबर स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, इसका मतलब कि P2 प्रोसेस बिजी वेटिंग है। ठीक है, इट वाज जस्ट जस्टिफिकेशन की ये बिजी वेटिंग सोल्यूशन। चलिए दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरा सिनेरियो ये कह रहा है कि P2 प्रोसेस जो है उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, सॉरी P1 प्रोसेस को, P1 प्रोसेस ने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया 1, 2, 3। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं इसको लॉक की वैल्यू 0 मिल गई, 2 के कोरस्पॉन्डिंग इसने लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया। ठीक है, P1 प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, लॉक की वैल्यू 0 है स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, 2 नंबर के अकॉर्डिंग लॉक नंबर की वैल्यू 1 है, 3 नंबर के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया। P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, अब इसका प्रीमिशन हो गया। प्रीमिशन हो गया तो P2 प्रोसेस ने चेक किया 1। ठीक है, P2 प्रोसेस ने जब चेक किया,
आप ये पी टू प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पी टू प्रोसेस में वन चेक किया तो वन स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन चेक है, किस पे, लॉक पे, लॉक की वैल्यू उसको वन मिले, ठीक है, चेक कर ही रहा था तभी उसका प्रीमिशन हो गया, फिर से खड़ी पाई आ गई, इसका मतलब उसका प्रीमिशन। इसके प्रीमिशन के बाद पी वन प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर फोर एग्जीक्यूट कर दिया। स्टेटमेंट नंबर फोर एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है कि लॉक की वैल्यू को उसने जीरो कर दिया, लॉक की वैल्यू को उसने जीरो सेट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो पी टू प्रोसेस है वो स्टेटमेंट चेक कर रहा है वन, सॉरी पी टू प्रोसेस स्टेटमेंट चेक कर रहा है वन देन टू एंड देन थ्री, है ना। तो वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसने देखा कि लॉक की वैल्यू जीरो है या वन है, तो लॉक की वैल्यू जीरो है। टू का मतलब क्या है कि लॉक की वैल्यू वन है। थ्री का मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है, इसका मतलब पी टू प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। तो हम जस्ट ये वेरीफाई कर रहे थे कि अगर प्रीमिशन होता रहे तो क्या क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी या नहीं रहेगी। तो अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, ओके। अब आइए हम क्या करते हैं कि इसका असेंबली लैंग्वेज कोड लिखते हैं, ठीक है, इसका हम असेंबली लैंग्वेज कोड लिखते हैं, और असेंबली लैंग्वेज कोड से कहानी पूरी उल्टी हो जाएगी। हमने इसी चीज को असेंबली लैंग्वेज में लिखा, क्या लिखा, जैसे चेक कीजिए, हमने यहाँ लिखा था व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्टेटमेंट नंबर वन है। स्टेटमेंट नंबर टू कह रहा है लॉक इज इक्वल टू वन, तीन नंबर है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री, और चार नंबर है लॉक की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो हम जब इसको तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लूप है, अगर लूप है तो लूप के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, जंप स्टेटमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कंपैरिजंस होंगे और जंप स्टेटमेंट्स लगेंगे। तो हमने क्या किया कि लॉक की जो वैल्यू है उसको आर जीरो नाम के रजिस्टर में स्टोर कर दिया। तो स्टेटमेंट नंबर वन असेंबली लैंग्वेज में है लोड लॉक आर जीरो, लॉक की वैल्यू को आर जीरो में स्टोर कर, फिर हमने आर जीरो की वैल्यू को कंपेयर किया जीरो से, ऑब्वियसली बात है ना, लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेक हो रहा है कि जीरो है क्या, तो हमने कंपैरिजन किया, सीएमपी का मतलब कंपैरिजन है, आर जीरो का वैल्यू जीरो से, हैश जीरो का मतलब वैल्यू जीरो से कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, अब तीन नंबर स्टेटमेंट क्या है कि जंप इफ नॉट जीरो, अगर जे एन जे का मतलब है जंप इफ नॉट जीरो टू स्टेप वन, अगर लॉक की वैल्यू जीरो नहीं है तो आप स्टेप वन पे जंप कर जाओ, ऑब्वियसली बात है अगर लॉक वैल्यू जीरो नहीं तो हम जंप कर जाएंगे स्टेटमेंट नंबर वन। तो ये व्हाइल लूप तो हो गया। अच्छा, अब इसके बाद टू नंबर स्टेटमेंट कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, टू नंबर स्टेटमेंट में कुछ नहीं करना, लॉक की वैल्यू को वन करना है, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग वैल्यू वन इन द लॉक, स्टोर हैश वन इन द लॉक, तो वैल्यू वन हमने स्टोर कर दिया कहाँ पे, लॉक। फिर हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गए, फिर क्रिटिकल सेक्शन जब फ्री किया तो क्या करना है आपको, लॉक की वैल्यू को जीरो सेट कर देना। सो इन द फिफ्थ स्टेटमेंट इन द असेंबली लैंग्वेज स्टोर हैश जीरो मींस जीरो वैल्यू इन द लॉक, तो जो जीरो वैल्यू है दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द लॉक वेरिएबल, ओके। तो ये हमने असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है असेंबली लैंग्वेज कन्वर्जन, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ओके। कंडीशन है व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू जीरो, लूप में ही रहो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस लॉक की वैल्यू को, लॉक की जो भी वैल्यू उसको वेरिएबल आर जीरो में, सॉरी रजिस्टर आर जीरो में स्टोर कर दिया, तो लोड लॉक आर जीरो। फिर इसके बाद इसको चेक किया जीरो से, कंपेयर आर जीरो विद हैश जीरो, मतलब कि आर जीरो की वैल्यू को जीरो से कंपेयर करो, अगर ये जीरो है तो यस एंड नो में आंसर होगा ना इसका। अच्छा, इसके कोरस्पॉन्डिंग थर्ड नंबर स्टेटमेंट लिखा है जंप इफ नॉट जीरो, जो ऊपर सेकंड नंबर स्टेटमेंट पे वैल्यू आ रही है, अगर ये जीरो नहीं है तो स्टेप नंबर वन पे लूप कर जाओ, ठीक है, स्टेप नंबर वन पे लूप कर जाओ। इसका मतलब क्या है कि लूपिंग लूप में लगातार लॉक की वैल्यू जीरो से कंपेयर होती है, ओके। अच्छा, जैसे ही लॉक की वैल्यू जीरो आ जाएगी, कंपैरिजन स्टेटमेंट जो टू नंबर कंपैरिजन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट नहीं चलेगा, थर्ड नहीं चलेगा तो हमें फोर्थ पे मूव करना होगा, क्योंकि थर्ड नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है ना कि जंप ऑन नॉट जीरो, जीरो नहीं है तो मूव करो, लेकिन अगर जीरो है तो क्या करो, नीचे आ जाओ फोर्थ नंबर स्टेटमेंट में। फोर्थ नंबर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसके नीचे हमने क्या किया था, लॉक में वन स्टोर किया, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, स्टोर वैल्यू वन इन लॉक कर। फिर इसके बाद हम क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे, और फिर लास्ट में
जब हमारा क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जा रहा है तो लॉक में हम जीरो स्टोर कर देते हैं, तो स्टोर हैश जीरो इन द लॉक, वैल्यू जीरो इन द लॉक, ये हमने कन्वर्जन कर दिया असेंबली लैंग्वेज। प्लीज लेट मी नो ये असेंबली लैंग्वेज आपको समझ में आया या नहीं, क्विकली प्लीज टेल मी, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस, माने कि मैं लगातार बोलता रहूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरा पेस स्लो करने की जरूरत तो भी बताइए, बट आपको समझना पड़ेगा इसको, अगर आप इस लेवल पर नहीं समझ पाएंगे तो आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ओके सो वी हैव द एंट्री सेक्शन फ्रॉम 1 to 4 नाउ, एंट्री सेक्शन 1 to 4 है, सीएस में एंट्री है क्रिटिकल सेक्शन में, और 5 नंबर एग्जिट सेक्शन, 5 नंबर इज द एग्जिट सेक्शन। सो नाउ जरा हम इसको वेरीफाई करते हैं अब कुछ कंडीशन से, ठीक है, विद सम कंडीशन लेट अस वेरीफाई दिस। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि P1 ने 1 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, P1 ने 1 नंबर एग्जीक्यूट किया इसका मतलब क्या है कि R0 में लॉक की वैल्यू आ गई, ठीक है, लॉक की वैल्यू R0 में आ गई, फिर इसका प्रीमिशन हो गया। फिर P2 ने स्टेटमेंट नंबर 1 चलाया, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 में चाहे जो भी था, मान लेते हैं कि लॉक की वैल्यू 0 थी, तो P1 ने भी चेक किया था, लेकिन इसका 1 नंबर में ही इसका वो हो गया, प्रीमिशन हो गया। फिर P2 ने 1 नंबर स्टेटमेंट चलाया, लॉक की वैल्यू 0 थी, इसलिए P2 ने 2 भी चलाया, 2 चलाया 3 भी चलेगा 4 भी चलेगा क्योंकि लॉक की वैल्यू 0 है और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करता है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में वो एंट्री करता है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको, प्लीज अनम्यूट करके एक दो लोग बोलिए कि अगर P1 ने 1 नंबर स्टेटमेंट चलाया, उसने लॉक की वैल्यू स्टोर करा ली बस R0 में, P1 ने रजिस्टर में स्टोर करा लिया लॉक की वैल्यू, हमने माना है कि लॉक की वैल्यू 0 है यहाँ पे इनिशियल। नाउ P2 ने भी यही काम किया, P2 ने जो है दूसरे रजिस्टर में 1 स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग स्टोर करा लिया लॉक की वैल्यू को, फिर क्या किया इसने 2 और 3 चलाया, 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग पता चला कि 0 नहीं है, सॉरी इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए हम 4 नंबर स्टेटमेंट में जाएंगे, 4 नंबर में जाएंगे इसका मतलब क्या है कि हम क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, और क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन ये कर ही रहा था उसी बीच में इसका प्रीमिशन हो जाता है, और प्रीमिशन के बाद जो P1 प्रोसेस जिसको हमने प्रीम किया था उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, और रिस्टोर करने के बाद उसका हम स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 चला रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो R0 रजिस्टर में P1 प्रोसेस ने अपने प्रीवियस एग्जीक्यूशन में जो वैल्यू स्टोर की थी वो स्टोर की थी लॉक की 0 वैल्यू, क्योंकि उसने लॉक की 0 वैल्यू एग्जीक्यूट की थी, इसलिए वो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट में जाएगा, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट में जाने के बाद लॉक की वैल्यू 1 वो सेट कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा, ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में है और P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में, क्या ये पॉसिबल है कि दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, फिर से समझते हैं इसको, इरेज ऑल द थिंग्स हियर। यहाँ पे P1 प्रोसेस ने अपना स्टेटमेंट नंबर 1 चलाया, P1 प्रोसेस ने अपना स्टेटमेंट नंबर 1 अगर चलाया तो इसका मतलब क्या है कि P1 प्रोसेस ने लॉक वेरिएबल की वैल्यू को रजिस्टर R में स्टोर करा लिया, लॉक की वैल्यू 0 है इनिशियली ऐसा हमने माना, तो R रजिस्टर में 0 वैल्यू स्टोर हो गई, ओके। अब इसका प्रीमिशन हो जाता है, 1 नंबर स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट किया था इसका प्रीमिशन हो जाता है। फिर P2 ने क्या किया, P2 ने भी 1 नंबर स्टेटमेंट चलाया, क्योंकि लॉक की वैल्यू हमने कोई चेंज किया नहीं, लॉक की वैल्यू तो 0 ही है, तो P2 भी लॉक की जो वैल्यू है उसको किसी दूसरे रजिस्टर जैसे R- में 0 को स्टोर करा रहा है। P2 ने 1 नंबर स्टेटमेंट चलाया, लेट्स से P2 ने 2 भी चलाया, 2 के कोरस्पॉन्डिंग कंपैरिजन हुआ इस R- का 0 से, 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमने ये देखा कि क्या जंप करने की जरूरत है, नहीं जंप करने की जरूरत नहीं क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू तो 0 है। अगर ऐसा है तो P2 प्रोसेस ने क्या किया, 4 नंबर स्टोर 4 नंबर एग्जीक्यूट किया और 4 नंबर के कोरस्पॉन्डिंग इसने लॉक की वैल्यू को 1 कर दिया और फिर क्या किया इसने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ले ली। अब ये क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, फिर इसका प्रीमिशन हो जाता है, P2 का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन करने के दौरान ही इसका प्रीमिशन हो जाता है। फिर हम P1 को रिस्टोर करते हैं, P1 में स्टेटमेंट नंबर 1 चल चुका था, अब स्टेटमेंट नंबर 2 चलना है,
ठीक है, स्टेटमेंट नंबर वन क्या क्या किया था इसने, लॉक की वैल्यू को R0 रजिस्टर में डाल लिया था, लॉक की वैल्यू इसने 0 रीड की थी, फिर इसने कंपैरिजन किया तो इसकी वैल्यू 0 मिली इसको, रजिस्टर की वैल्यू तो 0 मिली क्योंकि अब सारा काम रजिस्टर में हो रहा है। फिर इसने देखा कि 0 जंप करने की जरूरत है, नहीं जंप करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने 0 रीड किया है। फिर इसके बाद ये फोर्थ नंबर स्टेटमेंट चलाता है, तो 2 3 के बाद इसको फोर्थ नंबर स्टेटमेंट चलाया, लॉक की वैल्यू 1 पहले से सेट थी, एक बार दोबारा से इसने 1 सेट कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, और ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करते हैं। और ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में हो गए, P2 भी है P1 भी है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन हमारा है, जो सोल्यूशन मैंने डिजाइन किया, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी नहीं कर रहा, और अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही गारंटी नहीं कर रहा तो बाकी चीजें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज म्यूचुअल एक्सक्लूजन को गारंटी करना। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया बच्चों, प्लीज टेल मी, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कि समझ में आया या नहीं। केवल 10 स्टूडेंट्स को समझ में आया क्लास में, स्टूडेंट्स 18 20 21, चलिए ठीक है, समझते रहिए, धीरे धीरे समझ और आ जाएगा, समझ में ठीक है सर किसी एक को। हाँ प्लीज बताइए, बार क्रिटिकल सेक्शन का वर्क बता दीजिए एक बार दोबारा सर, क्या होता है उसमें? हाँ जो काउंट वेरिएबल था लास्ट कल के कल सर, के याद है हाँ सर, काउंट उसकी प्लस काउंट, प्लस काउंट माइनस माइनस, हाँ तो दोनों एक साथ अलाउ नहीं कर सकते ना, कि काउंट प्लस प्लस भी कर दो काउंट माइनस माइनस भी कर दो, पैरेलल भी नहीं हो सकता, मैंने पैरेलल भी नहीं हो सकता, वन बाय वन आफ्टर द अदर हमें करना होगा, यस सर। यही हमें इंश्योर करना है। लेकिन हम कैसे दो प्रोसेसेस पे हम कैसे कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो दोनों साथ नहीं होना चाहिए, हमारी कंसिस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं आनी। जैसे मान लो IRCTC टिकट बुकिंग के समय नंबर ऑफ सीट 100 है अभी, तो हमने दो लोगों को एक साथ कह दिया कि दोनों जो है सीट बुक कर दो, तो होगा क्या, सीट बुक करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 100 से 99 होना चाहिए, 99 से 98 होना चाहिए अगर दो लोग बुक कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमने दोनों को साथ में ही वो वेरिएबल रीड करा दिया तो दोनों 100 रीड करेंगे, और 100 रीड करने के बाद दोनों 99 कर देंगे, और दोनों 99 करने के बाद फिर स्टोर कर देंगे 99, तो इनकन्सिस्टेंट हो गए ना वैल्यू, जो वैल्यू 98 होनी चाहिए तो वो 99 हो गई, बात समझे यस सर, इसको, ठीक यस सर, समझिए। है। नाउ लेट्स सी अनदर सिनेरियो। वैसे इस सिनेरियो में कुछ खास नहीं है, जस्ट सी दिस, इसमें हमने कहा कि स्टेटमेंट नंबर वन, P1 ने स्टेटमेंट नंबर वन चलाया, स्टेटमेंट नंबर वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि R0 में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो लेट से R0 में एक वैल्यू स्टोर हो गई, लॉक की जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो गई, फिर इसका प्रीमिशन हो गया। फिर P2 प्रोसेस ने क्या किया, वन नंबर स्टेटमेंट चलाया, P2 प्रोसेस ने किसी R1 रजिस्टर में मान लेते हैं कि लॉक की वैल्यू स्टोर करा लिया, और इसने 2 चलाया, इसने 3 चलाया, ठीक है इसने 2 चलाया और 3 चलाया, अच्छा इसने 1 चलाया 2 चलाया 3 चलाया। अब लॉक की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये लॉक की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिलहाल मान लेते हैं कि इसने जंप वगैरह चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी इसका प्रीमिशन हो, इसके प्रीमिशन के बाद फिर से P1 प्रोसेस ने चेक किया, सॉरी P1 प्रोसेस ने 2 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ठीक है P1 प्रोसेस ने 2 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, क्या इससे कोई फर्क पड़ा, क्या इस स्टेटमेंट के कन्वर्जन में कोई बने कोई कोई हमारा फर्क पड़ा? एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ये बात कही है कि तो ऐसे नहीं, 1 2 3 4 कर दो, सॉरी दिस 1 2 3 4, फिर इसमें P1 में भी 2 3 4 कर दो, अब बताओ, ठीक है अभी हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कराई, अभी हमने केवल 4 नंबर स्टेटमेंट तक चलाया, तो अगर हमने 1 चलाया 2 चलाया 3 चलाया फिर 4 चलाया, इसका मतलब क्या है कि जो P2 प्रोसेस है वो अगर ड्रेसिंग रूम के एग्जांपल अगर हम लें तो इसने ऑक्यूपाइड टैग लगा दिया, इसी तरह से P1 प्रोसेस ने भी ऑक्यूपाइड टैग लगा दिया क्योंकि 2 3 4 इसका एग्जीक्यूट हुआ, तो दो प्रोसेस ने एक साथ ऑक्यूपाइड टैग लगा दिया, कहां पे लगा दिया, ड्रेसिंग रूम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी नहीं, ठीक है भले इसने एंट्री नहीं की इन दोनों ने, अभी क्रिटिकल सेक्शन में दोनों की एंट्री नहीं हुई क्योंकि क्रिटिकल 4 नंबर स्टेटमेंट के बाद प्रीमिशन इसका हो गया, लेकिन 4 नंबर तक अगर ये एग्जीक्यूट कर लिया तो ड्रेसिंग रूम के एग्जाम्पल के हिसाब से दोनों प्रोसेस ने एक साथ ऑक्यूपाइड टैग लगा दिया ड्रेसिंग रूम,
ये सही नहीं है ना, दो लोग एक ऑक्यूपाइड टैग लगाए। फोन नंबर स्टेटमेंट तो यही है ना कि लॉक को वन सेट करना है ना, अगर फोर पहुंच गए हो तो फाइव नंबर जाते ही आप एंट्री भी कर जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। तो जस्ट एक मैंने ये वाला जो स्लाइड है वो इसलिए बनाया क्योंकि वो आप समझ जाए कि दो लोग एक साथ ऑक्यूपाइड टैग लगा रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर फोर जो है जिसमें कि लॉक की वैल्यू वन सेट हो रही है, दैट इज सेटिंग दी ऑक्यूपाइड टैग। ओके, नाउ अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कि प्रीवियस एग्जाम्पल का ही वो है, थोड़ा सा और जनरलाइज करने की कोशिश है। मान लो कि दो ही प्रोसेस नहीं है, एन प्रोसेसर है, एन प्रोसेसर। पहले प्रोसेस ने, P1 प्रोसेस ने वन नंबर स्टेटमेंट चलाया, तो इसने किसी R1 रजिस्टर में लेते जीरो वैल्यू सेट कर ली, लॉक की वैल्यू मान लेते हैं जीरो। फिर P2 प्रोसेस ने भी क्या किया, मैंने P1 का प्रीमिशन हो गया, P2 ने भी स्टेटमेंट नंबर वन चलाया, तो किसी R2 रजिस्टर में P2 प्रोसेस ने लॉक की वैल्यू जीरो रीड करके डाल दी। फिर P3 प्रोसेस नहीं ऐसा ऐसा किया, उसने भी जो है क्या किया, जीरो अपने किसी एक रजिस्टर में रख दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेट्स से nth प्रोसेस है, उसने भी स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट किया, तो वो भी जो है लॉक की वैल्यू जीरो रीड करके किसी रजिस्टर में डाल देगा RN में। फिर इसके बाद P1 प्रोसेस स्टार्ट करता है अपना स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4, क्योंकि इसने जीरो वैल्यू रीड की थी, इससे लॉक की वैल्यू को वन करके ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर सकता है। फाइन, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रीमिशन हो गया इसका। फिर P2 प्रोसेस ने भी लॉक की वैल्यू जीरो ही रीड की थी, तो 2, 3, 4 क्रिटिकल सेक्शन, ये भी क्रिटिकल सेक्शन एंटर कर गया। अब मान लो इसका भी प्रीमिशन हो गया। फिर P3 प्रोसेस, उसने भी क्या किया, 2, 3, 4 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, फिर क्रिटिकल सेक्शन एंट्री कर गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। nth प्रोसेस भी 2, 3, 4 चलाएगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम क्रिटिकल सेक्शन चला रहे हैं, सॉरी क्रिटिकल सेक्शन में एन प्रोसेस लगातार माने पैरेलल में हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये तो सारी कंडीशन इवैल्यूएट करके यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी। इट्स ऑल अबाउट ऑल दोस एग्जांपल्स दैट आई हैव टेकन, इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन दैट नॉट ओनली फॉर टू प्रोसेस बट इफ देयर आर एन प्रोसेसेस आल्सो एंड वी आर प्रीम्प्टिंग देम आफ्टर द स्टेटमेंट नंबर वन, देन all these processes can enter the critical section at the same time. So mutual exclusion is not guaranteed here. Please just remember this clearly. समझ में आ पा रहा है कुछ या नहीं? N processes के बारे में क्या समझ में आया आपको? क्या N process critical section में हो सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं हो सकते? Yes or no? I'm taking a half a minute break, मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए केवल। ये बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? एन प्रोसेसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ एंटर कर सकते हैं। मैंने हर सर मतलब प्रिम्प्शन करने पे लॉक वेरिएबल वर्क नहीं करता है? नहीं कर रहा ना, आपको तो दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि असेंबली लैंग्वेज में तो कन्वर्ट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो वर्क करेगा वो आपके इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में तोड़ेगा ही। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में तोड़ेगा तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का प्रीमिशन होगा ना, इंस्ट्रक्शन का प्रीमिशन थोड़ी होगा, क्योंकि CPU को जो एग्जीक्यूशन होगा वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होगा। ओके, तो एन प्रोसेस एंटर कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में लॉक वेरिएबल का अगर आप यूज करें। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन में हमने कुछ नहीं किया है, हमने ये जो दो स्टेट, ये जो सोल्यूशन वन अभी जो आपने हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें स्टेटमेंट नंबर फोर देखिए। स्टेटमेंट नंबर फोर क्या कर रहा है? स्टेटमेंट नंबर फोर जो है वो लॉक में वन स्टोर कर रहा है। दिक्कत तो इसी रीजन से है ना कि आपने लॉक जीरो रीड तो किया लेकिन लॉक वन जो है बहुत देर बाद में किया। आप एक काम करो, इसको ऊपर पहुंचा दो, ठीक है, रीड करते ही लॉक की वैल्यू को वन कर दो। तो ये दो स्टेटमेंट एक साथ आ गए। जस्ट चेक कीजिए, जो सोल्यूशन टू हमने राइट हैंड साइड पे लिखा है उसमें हमने दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिख दिया। पहले क्या किया कि रीड कर लिया लॉक की वैल्यू, और लॉक की वैल्यू जीरो हो चाहे वन हो लेकिन आप लॉक में वन स्टोर, ठीक है, लॉक की वैल्यू जीरो हो या वन हो कुछ मत करो, लॉक की वैल्यू को वन करो, ठीक है, पहले रीड करके रख लो। लेकिन इट इज समथिंग लाइक ड्रेसिंग रूम का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। आप अपने पॉकेट में हमेशा एक टैग रखे रहो, ठीक है,
यू आर द पर्सन जिसको ड्रेसिंग रूम में जाना है, तो आपने क्या किया कि आपके पास पॉकेट है, उस पॉकेट में एक टैग हमेशा रहता है, कौन सा, ऑक्यूपाइड वाला, ठीक है, आपके पास ऑक्यूपाइड टैग हमेशा रहता है। अगर आपको एक्सेस करना है ड्रेसिंग रूम, तो उस केस में आप कुछ मत करो, आप देखो मत कि कौन सा टैग लगा है, यहाँ पे जो टैग लगा है उसको उठाओ अपने पॉकेट में रख लो, और अपने पॉकेट से एक ऑक्यूपाइड टैग यहाँ लगा, ठीक है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, मैं हटा रहा हूँ सारे नोटेशन यहाँ से, ड्रेसिंग रूम के एग्जाम्पल से मैं समझ रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में टैग लगा हुआ है, अभी तक टैग ही लगा था ना, ऑक्यूपाइड या वैकेंट। तो आप इस टैग को अभी देखो मत, एक काम करो कि जो भी टैग लगा है ड्रेसिंग रूम पे उस टैग को अपने पास रख लो, और अपने पॉकेट से एक टैग निकाल के ऑक्यूपाइड यहाँ पे लगा, ठीक है, टू स्टेप प्रोसेस हुआ। अच्छा अब क्या करो कि देखो कि जो टैग पहले से लगा था ड्रेसिंग रूम में, जो आपके पॉकेट में अभी है, वो कौन सा टैग है, अगर वो वैकेंट है तो एंट्री कर जाओ क्रिटिकल सेक्शन में, और अगर ऑक्यूपाइड है तो फिर से दोबारा से जाओ ड्रेसिंग रूम में और देखो कि वो वहां पे जो भी टैग है उसको निकालो अपने पॉकेट पे डालो और ऑक्यूपाइड फिर से वहां लगा, तो लगातार करते रहो, बिजी फिटिंग सोल्यूशन तो है ही है, ठीक है। सो मैं लास्ट टाइम इसको बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो टैग है, जो भी टैग लगा है ड्रेसिंग रूम पे तो उठा के अपने पॉकेट में रख लो, और एक नया टैग वहां लगा दो ऑक्यूपाइड, ठीक है। अगर माने इसके इस स्टेप के बाद पॉकेट में जो आपने टैग रखा है अभी भी जस्ट वहां से उठा के उसको चेक कर लो, अगर वो ये बता रहा है कि वो वैकेंट है तो एंट्री कर जाओ, वैकेंट नहीं है तो दोबारा से जाओ फिर से ड्रेसिंग रूम पे, दोबारा से जाके फिर से वहां का टैग अपने पॉकेट में रखो, वहां पे ऑक्यूपाइड लगा दो, तो लगातार इस काम को करते रहो। तो जो वन और टू नंबर स्टेटमेंट है वो यही कर, वो ये कह रहा है कि लॉक की वैल्यू को R0 वेरिएबल में सेट कर लो, पहले चेक मत करो बस सेट कर लो, R0 में ले लो उसको, और उसके बाद फिर लॉक में वन वैल्यू स्टोर करो, स्टोर वन इन द लॉक, ठीक है। नाउ अब चेक करो क्या R0 की वैल्यू जीरो है, क्या रजिस्टर की वैल्यू जीरो है, अगर जीरो है तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाना, नहीं तो फिर से लूप करो, फिर से यही काम करो, जंप इफ नॉट जीरो, ठीक है, फिर से लूपिंग करते रहो, लूप में रहो। तो सोल्यूशन लगभग वैसा ही है लॉक वाला, बट लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वेरिएशन है, आप लॉक पहले सेट करो, है ना, लॉक आप डिले कर रहे हो इसी रीजन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने लॉक पहले सेट किया होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या इस सोल्यूशन ने हमें हमारी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया या नहीं किया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर वन लिया, वन एग्जीक्यूट किया, मतलब कि जो भी लॉक की वैल्यू थी, मान लेते हैं कि लॉक की वैल्यू जीरो थी, तो P1 प्रोसेस से कॉरेस्पॉन्डिंग R0 रजिस्टर में लगते, सॉरी R1 रजिस्टर में लगते वैल्यू आ गई जीरो, फिर इसका प्रीम्पशन हो गया। अब P2 प्रोसेस ने स्टेटमेंट नंबर चलाया वन, P2 प्रोसेस ने भी स्टेटमेंट वन चलाया, इसका मतलब कि किसी दूसरे रजिस्टर में लॉक की वैल्यू जो कि जीरो थी वो वन सेट हो गई, सॉरी जीरो ही सेट हो गई, लॉक की जो भी वैल्यू थी वो जीरो सेट हो गई रजिस्टर। फिर इसने टू नंबर भी चला दिया, क्या किया, जो P2 प्रोसेस है उसने लॉक की वैल्यू को वन कर दिया। फिर इसने स्टेटमेंट नंबर थ्री चलाया, कंपैरिजन किया, यस लॉक की माने रजिस्टर की वैल्यू जीरो है, जीरो है इसलिए इसने चार चलाया और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर, ठीक है। अब इसका प्रीमिशन हो जाता है, फिर P1 प्रोसेस आता है, P1 प्रोसेस टू नंबर स्टेटमेंट चलाता है, टू नंबर क्या कर रहा है कि लॉक की वैल्यू में वन स्टोर करना है, लॉक में वन पहले से था, एक बार दोबारा से स्टोर कर दोगे वन तो क्या फर्क पड़ता है। थ्री नंबर स्टेटमेंट हमने चलाया, थ्री नंबर ने कंपैरिजन किया, R0 की वैल्यू जीरो है क्या, यस जीरो है, क्योंकि जो रीड किया था P1 प्रोसेस ने वो भी जीरो ही रीड किया, क्योंकि इसने जीरो रीड किया था तो फोर चला और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री किया, इसका मतलब क्या है कि P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में, P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में, हाउ इज इट दिस पॉसिबल, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे भी गारंटी नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की समस्या आ रही है। तो आपको एक्चुअली करना क्या है कि स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो एक साथ अगर चले तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू अलग अलग ना चल के दोनों एक साथ चलें तो आपका काम हो जाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको ये कह रहे हैं कि टेस्ट सेट लॉक, टेस्ट सेट लॉक,
ठीक है, टेस्ट सेट लॉग, इससे क्या फर्क, इससे फर्क क्या पड़ेगा? जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि 1 2 को कंबाइन करके हमने स्टेटमेंट नंबर 1 डैश बना दिया, तो P1 प्रोसेस ने अगर 1 डैश नंबर स्टेटमेंट चलाया तो इसने ना केवल R0 की वैल्यू जो 0 रीड किया, साथ ही साथ इसने लॉक की वैल्यू को 1 भी सेट कर दिया। तो भले ही यहाँ पे ये प्रिंट हो जाए और P2 प्रोसेस आए और 1 डैश नंबर स्टेटमेंट चलाएगा, तो वो लॉक की वैल्यू को 0 ना रीड करके 1 रीड करेगा, तो ये एंट्री नहीं कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो केवल एक ही प्रोसेस एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा अगर हम 1 और 2 नंबर स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें। 1 और 2 नंबर स्टेटमेंट जो हमारा है उनको मान ले कि एक ही स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसको, हार्डवेयर सोल्यूशन इसका ले सकते हैं। हार्डवेयर में हमने इस तरह की बात कर दी है कि जो भी सोल्यूशन है उसको इसके थ्रू पास होना पड़ेगा। टेस्ट सेट लॉग, इसका मतलब TSL, इसको शॉर्ट में हम TSL कह रहे हैं, है ना? तो TSL अगर हम बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी करते हैं, और अगर हम TSL नहीं बना पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारा गारंटी नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल हम लोग फिर डिस्कस करते हैं।